फिर से कह रहा हूं, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट से डरते हैं, हम उसे डरने की जरूरत नहीं है, ये फ्यूचर है, आप लोग याद रखिए, ये गैम्बलिंग नहीं है, ये एक तरह का फ्यूचर प्लान है अपनी मॉनेटरी कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने का। बहुत सारे लोग इसको बिजनेस की तरह देखते हैं, ये सिंपल है, जैसे आप किसी और के बिजनेस में पैसा लगाएंगे वैसे ही आप अपना पैसा इन मेजर कंपनीज में लगाते हैं जो कि लिस्टेड है, तो ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। सो जितना रिस्क आप वहां पर देखते ना उतना रिस्क, मतलब उसे तो कमी रिस्क बोलेंगे, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी, ये जो कंपनी है जो लिस्टेड है ऑलरेडी स्टेबल है, लेकिन कमाने का मौका भी उतना है, रिस्क है तो इश्क है। आप पैसा कौन कमाता है एक्चुअल में, बड़ा पैसा कौन बनाता है, कमाने की बात ही नहीं करेंगे आज, ठीक है। पैसा वो कमाता है जो पूरे दिन काम करता है, लेकिन पैसा कौन बनाता है, पैसा वो बनाता है जो फ्यूचर जानता है, याद रखिएगा, पैसा वो बनाता है जो फ्यूचर जानता है, जो फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सकता है, जो फ्यूचर को भांप जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर फ्यूचर में क्या होने वाला है ये आज ही हम लोग जान लें, इसकी एक प्रेडिक्शन लगा लें, तो शायद हम लोग मालामाल हो सकते हैं। यस, तो रिस्क है तो इश्क है। आज मैं आप लोगों को फ्यूचर स्टॉक्स बताने वाला हूं, ऐसे स्टॉक्स जो भविष्य में आपको मालामाल बना सकते हैं, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये सभी कह रहे हैं। कारण क्या है, रीजन क्या, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे सेशन में, लेकिन आप लोगों को ऐसे ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जो कि वाकई में आज के टाइम पे जिनकी कीमत बहुत कम है, मतलब अगर आप एक स्टॉक के हिसाब से वैल्यू देखोगे तो उनके पैसों के हिसाब से वैल्यू बहुत कम है, लेकिन फ्यूचर में यही पैसे यही जो शेयर्स हैं वो आपको माला माल बना सकते हैं। अभी बहुत कम पैसा मिल रहा है स्टॉक, तो मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि 50-60 रुपीस का ही है एक शेयर, और वो शेयर काफी इंटरेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट है, 50 रुपए का, 60 रुपए का, 200 का, 250 का, 180 का, 190 रुपए का, ऐसे शेयर्स आपका फ्यूचर बना सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे जिसको फ्यूचर का पता होता है, जो प्रेडिक्शन कर सकता है, बस वही पैसा कमाता है, और ये रिस्क है तो इश्क है। आज हम बात है पूरे अरबपति करोड़पति जो लोग हैं उनका क्या खास बात है, वो खूब पढ़ते हैं, खूब किताबें पढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं, और फिर वो प्रेडिक्शन करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और जब फ्यूचर में क्या होने वाला है थोड़ा सा भी उनको भनक लगता है तो उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं, और वो मालामाल हो जाते हैं, वेल्दी हो जाते हैं, और उनको हम लोग आगे जाके वेल्दी इस पर्सन के तौर पे या तो स्टोरीज पढ़ रहे होते हैं या उन्हें देख रहे होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को मे भी हो सकता है कि आप जितने लोग देख रहे हैं आप में से कोई करोड़पति अरबपति बन जाने वाले फ्यूचर में, है ना, ऐसी कंपनियों के बारे में बताऊंगा जिसमें आप सीधे उनकी इक्विटी उनके शेयर्स बेसिकली खरीद सकते हैं। रिस्क है तो इश्क है। आज आप में से कोई करोड़पति अरबपति बन जाने वाले फ्यूचर में, है ना, ऐसी कंपनियों के बारे में बताऊंगा जिसमें आप सीधे उनकी इक्विटी उनके शेयर्स बेसिकली खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, लाइक भी करता है जिसका दिल बड़ा होता है, तो प्लीज लाइक सेशन करते रहते हैं। चलिए आज मैं आप लोगों को फ्यूचर स्टॉक बताता हूं, थोड़ा सा आइडिया मैंने यहां पर दिया भी है वैसे, ईवी यही है फ्यूचर, ईवी क्या है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए प्रॉपर्टी शुरू करते हैं, फ्यूचर स्टॉक्स के बारे में जानते हैं, लेट्स स्टार्ट टुडे से। फ्यूचर स्टॉक्स है ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सवाल ये कि है ईवी बेसिकली व्हाट इज ईवी स्टॉक्स, वैसे मैंने बोल दिया। रिस्क है तो इश्क है। आज सबसे पहले अगर आप लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, लाइक भी करता है जिसका दिल बड़ा होता है, तो प्लीज लाइक सेशन। फ्यूचर स्टॉक्स है ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सवाल ये कि है ईवी बेसिकली व्हाट इज ईवी स्टॉक्स, वैसे मैंने बोल दिया। दूसरा, व्हाई वी शुड बाय देम, हमें उसको क्यों खरीदना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। फिर कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज उसमें इन्वॉल्व है, उसके बाद मैं आपको टॉप ईवी स्टॉक्स बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज डिस्कस होने वाली है, मजा आने वाला है, लेकिन उससे पहले आप स्टॉक को तब खरीदेंगे जब आप डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे भाई। यस, अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, अब स्टॉक्स का, एंजल्स का, मैं आपको एक मिनट का वार्ड बता दूंगा। आपको अगर मान लो आपके घर पे किसी का बर्थडे है तो उसके नाम से शेयर खरीद लो यार, उसको आप कुछ तो दोगे, 100 रुपए की चॉकलेट लाके दोगे, उसको बोलना मैं तुझे 100 रुपए की चॉकलेट नहीं दूंगा, आज मैं तुझे शेयर दूंगा, इना उसको गिफ्ट में शेयर दे दो, गिफ्ट में शेयर कैसे दे दो, उसे खरीद लो अपने पास रखो, फिर जब वो बड़े एक दिन मौका आएगा भाई बहुत अच्छा हो जाएगा, उसके बाद उसे बेच कर एनकैश करके उसे गिफ्ट दे देना, ये तो कर सकते हो। पहले सेगमेंट वाइज देखेंगे, देखो अगर आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाना है तो उसमें सबसे पहले किसी की रिक्वायरमेंट होगी, बैटरी की, जो बैटरी को चार्ज, बैटरी ही चार्ज होगी उसके बाद वही तो व्हीकल चलाएगी, वही तो एनर्जी देगी, ठीक है। बैटरी को बनाता है इंडिया में, सबसे ऊपर आता है अमरा राजा, इसका यू नो मार्केट कैप्चर, मतलब वी कैन से कि मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी अच्छा है, नंबर वन वी कैन से इन इंडिया राइट नाउ, अमरा राजा, बहुत लोगों ने हमें सुना ही नहीं, लेकिन आप इसको यूज कर दो, मेरी इनफैक्ट मेरी जो कार है उसके अंदर मैंने अमरा राजा की बैटरी लगा रखी है, ठीक है, मैंने खुद ने, और बहुत नंबर वन पे चल रही है अमरा राजा, ये एक स्टॉक है जो कि काफी लोगों से रेकमेंड करते हैं, और मैंने इसमें बूम देखा है, मैंने 500 से 700 रुपए होते देखा, 2020 में 500 रुपीस आराम खरीदा था, इसको 700 रुपए का हो चुका है, अभी भी काफी अच्छा बूम कर रहा है, 5 से 34 रुपए बच चुका है, 740 रुपए का शेयर है, अमरा राजा नाम है इसका, बहुत बढ़िया, एनएसई में खरीदेगा, मैं आपसे रेकमेंड करूंगा, लेकिन फिर से रिसर्च करना आप लोग, ये रिसर्च जरूर कर लेना, अमरा राजा, बट इंडिया में उसका अगर कहीं मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी ज्यादा है, नंबर वन कंपनी हम लोग कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बैटरीज, लेकिन ज्यादा बोलेंगे हमने तो एमरॉन सुना, एमरॉन बस एमरॉन की बात कर रहा हूं, एमरॉन बैटरीज अमरा राजा की, अमरा राजा की है, एमरॉन बैटरीज बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, बैटरी देने जाएंगे तो मालूम पड़ेगा, यही है अमरा राजा इसी कंपनी है, ठीक है, बहुत सारी आज मैं आपको इनफैक्ट दिखा के लगी है, लेकिन उसके अलावा ज्यादा लोगों ने एक्साइड सुना हुआ है, एक्साइड भी बहुत अच्छी है, शेयर प्राइस भी काफी कम है, 182 रुपए, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, इसका भी फ्यूचर है, मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, दोनों कंपनियों को होल्ड करके रखा हुआ है, एक्साइट बैटरी इसका शेयर प्राइस 182 रुपए, काफी सारी इसका भी नो डाउट, 9 रुपए के करीब है, लेकिन आपसे कहूंगा कि अब ये 5 साल नहीं, अब 10 साल में देखो इनके क्या, क्योंकि हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले, हम इन्वेस्ट करने वाले, लंबे टाइम तक इनको होल्ड करके रखेंगे, तो ये बहुत अच्छी कंपनी अमरा राजा, और दूसरी हमारे पास एक्साइट, तो एक्साइट बैटरी आपके घर पर आप इस्तेमाल करते हो, देखो आप घर पर इस्तेमाल करते हो, सबसे अच्छी बात है, और आपको भी पता है कि बैटरी से जिसने इन्वर्टर लगा रखा है वहां पर बैटरी यूज होती है, अमरा राजा की हो सकती है, एक्साइट की हो सकती है, बैटरी चेक करो घर पर जाकर जो इन्वर्टर लगा उनमें नहीं होता है, तो बैटरी मालूम पड़ेगी। दूसरी चीज पर चलते हैं, कार ऑपरेटिंग सिस्टम या कार ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, हमें देखा होगा कि जब आप आज जो कार आती है सिर्फ कार की बात नहीं है, अगर आप टू व्हीलर भी ले रहे हैं इन दैट केस बैटरी टू व्हीलर में भी लगी थ्री व्हीलर में भी लगी कार में लगी सॉफ्टवेयर उसमें भी चाहिए, आगे जो डैशबोर्ड होता है जो स्पीडोमीटर होता है, आगे बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज होती है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज होती है, इनफैक्ट अगर आप टेस्ला की बात करो तो टेस्ला में क्या था, इलॉन मस्क ने तो चैलेंज दिया था हमारे सॉफ्टवेयर को हैक करके बताओ, हमको पैसा देंगे 1 मिलियन डॉलर देंगे, तो वहां पर है व्हीकल्स के लिए आने वाले समय में भी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो वहां पर आपको सॉफ्टवेयर भी दिखाई देंगे, तो सॉफ्टवेयर कौन इंस्टॉल करता है या इंट्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, उसके बारे में बात करते हैं, उसमें जो टॉप कंपनी आई है सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के लिए वो है टाटा एलेक्सी, इसको तो आप कोई भी बड़ा घराना देख लो जो स्टॉक मार्केट में वो इसको रेकमेंड जरूर करता है, फिर भी रिसर्च कर लेना, ये नंबर वन कंपनी टाटा एलेक्सी, इसका शेयर प्राइस बहुत ज्यादा है, आपके पास कुछ पैसा आप इकट्ठा कर रखा हो तो कर लेना, मैंने नहीं कहा साइकिल, साइकिल भी आजकल ईवी आई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल साइकिल, इलेक्ट्रिकल बाइसिकल भी आई, आपको याद रखना, इलेक्ट्रिकल बाइसिकल तैयार करिए कंपनी जिसका नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, बेसिकली क्या करती है, एक केमिकल बनाती है जो कि बैटरी में रिक्वायर्ड होता है, हिमाद्री मैंने आपसे कहा भी था, मैंने बोला कि रखा इस कंपनी के शेयर को सिर्फ 55 रुपए का शेयर, सिर्फ 55 रुपए का शेयर, 55 रुपए ओनली, पिछले 5 साल में 18 रुपए बढ़ गया, ये इससे सस्ता शेयर तो क्या मिलेगा, क्या केमिकल्स, टायर्स, लिथियम बैटरीज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, में भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व है, ये बाइसिकल भी लेके आ गया, उसका नाम है मोटो वर्ल्ड इलेक्ट्रिक बाइसिकल, ये हिमाद्री इसमें डील कर रही है, तो बहुत अच्छा शेयर है, 55 रुपीस इज रियली गुड, एक कोई स्टूडेंट को भी खरीद सकता है, मान लो पापा ने पॉकेट मनी 100 रुपए का 100 रुपए, मान लो 1000 रुपए दिया, मैंने 1000 रुपए, इन दैट केस अगर स्टूडेंट के 1000 रुपए में से 500 रुपए खर्च करूंगा और मैं 500 रुपए देता हूं, 500 रुपए में और 500 चार्ज कर लेते हो, तो 10 शेयर हिमाद्री खरीद सकते हो, या 10 शेयर खरीद हिमाद्री कंपनी मालिक बन सकते हो, ये मोटो वर्ल्ड मोबिलिटी स्मार्ट ई साइकिल्स आ रही है इसकी, और अब आप देख लो यार, मतलब हर चीज ई व्हीकल्स के मॉडल से अगर कन्वर्ट होगी तो किस लेवल पे जाएगी, हिमाद्री कंपनी खुद भी खरीद रही, तो ये शेयर प्राइस जाने वाले हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड का नाम है, एचसीएल बोलते हैं, मैंने बोल दिया, आप रिसर्च करना, उसके बाद एक और है,
नाम है ग्रीन स्पोर्ट लिमिटेड, इसका नाम भी बहुत लोग लेते हैं, 172 रुपए का शेयर है, ये 5 सालों में 25% रिटर्न है। क्या बनाती है? इंजन बनाती है, लुब्रिकेंट्स बनाती है, स्पेयर पार्ट्स बनाती है, ठीक है। इसके अलावा ये अभी ये एमपीए व्हीकल भी लॉन्च करने वाले टू व्हीलर्स, जो ग्रीन स्पोर्ट है, बहुत छोटी छोटी कंपनीज स्पाइस में टू व्हीलर फोर व्हीलर आने वाली है, और आपको बहुत वैरायटी मिलेगी ई-व्हीकल्स में। बहुत आने वाले समय में आप सोचोगे कौन सी कंपनी ई-व्हीकल खरीदी, आपकी मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी। उससे पहले गाड़ी खरीदने से पहले आपको शेयर खरीदना, बस इतना बोलता हूं, ठीक है। ये अपना व्हीकल लॉन्च करने वाले एमपीए बाय ग्रीन्स, इसमें वो लॉन्च कर दिया होगा मेरी स्टेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो आप पेट्रोल डीजल क्यों खरीद रहे हो, क्योंकि पेट्रोल पंप है आसपास सारे किलोमीटर में आपको पेट्रोल पंप मिल जाएंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते हैं, गांव में थोड़ा सा लगे टाइम, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर डिस्टेंस में, ठीक है। लेकिन पेट्रोल पंप आपको मिल जाएगा, पेट्रोल डीजल गाड़ी चलाते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल में समस्या की तो चार्जिंग पॉइंट कहाँ होगा, या तो घर पे होगा, कौन होगा, और इस समस्या को दूर किया जा रहा है। बहुत सारी कंपनी छोटी काम कर रही है, लेकिन कंपनी ऐसी जो मार्केट में लिस्टेड कौन करेगा, छोटी छोटी कंपनी बहुत है, लेकिन टाटा पावर खुद भी डील कर रही है, 121 रुपए का शेयर है। ये भी आप सोचो किसी जरूरत सबसे ज्यादा है, पावर ग्रिड की इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई कौन करेगा, पावर ग्रिड को ये भी डील करेगा, 228 रुपए का शेयर है। मैंने पहले भी अपॉइंटमेंट किया था, ठीक है। इसके अलावा कौन डील करेगा, एनटीपीसी, ये लोग इसमें बोल रहे हैं 117 रुपए का शेयर है, एनटीपीसी लोग बोलते हैं आप रिसर्चर्स, बोले एनटीपीसी में इन्वेस्ट करो, ठीक है। इंडियन ऑयल कंपनी, ये भी अभी तो इंडियन ऑयल कंपनी है, लेकिन ये उसने बाय किया, अभी शेयर 611 रुपए का। अब आप सोचो कि क्या लेवल पे, 800 रुपए की, 800% की इसकी रिटर्न है, 800% की रिटर्न। सुनिए, कभी आप पैसा लगाओ कोई आप कह रहे हैं मैं 10 रुपए लगाऊंगा, 800% की रिटर्न है, 10 रुपए देखिए आप 800 रुपए किसे ले सकते हो, कहीं ले सकते, कई बार इंडस्ट्री में एक साल में काट दिया। ये मेरी फेवरेट कंपनी है, क्यों है और कैसे इसलिए डॉलर सबको समझ आया, हमने बैटरी से लेके चार्जिंग स्टेशन से लेके उसे कौन मैन्युफैक्चर करेगा, कौन बनाएगा, उसको इंट्रोड्यूस कौन करेगा, स्पेयर पार्ट कहां से आएगा, और अंदर का डीजल कैसे होगा, वायरिंग कैसे होगी, वो सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। 17 कंपनी मैंने आपको बताएंगे, लेकिन फिर से आपसे कंपनी मैंने होल्डर के रखे, लेकिन फिर आप रिसर्च करना, उसके बाद पैसा अपना इन्वेस्ट करना। और सबसे पहले आप लोगों से कहूंगा, एक बात समझ लो, फ्यूचर जिसको पता होता है वो आसानी से पैसा कमा सकता है, इनफैक्ट पैसा कमा सकता है, बना भी सकता है, और फ्यूचर प्रेडिक्शन सबको पता है, ये कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन मेरी आती